नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लैब के थ्रू करना चाहेंगे तो ये आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट्स कैसे जनरेट होता है, तो ये आपके पास जो है इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। एट द मोमेंट मैं आपको ये जो कोड्स हैं ये स्टेप बाई स्टेप जो है वो बताने जा रहा हूँ। फास्ट फूड का डेटा है तो इस तरह का डॉक्यूमेंट, इस पे हम बाद में आते हैं। तो अभी इस वक्त हम वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेप्स हैं और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ड्रॉप बॉक्स में, तो आपके आपको एज इट इज ये कोड मिल जाएगा। मैं ये आर मार्कडाउन नहीं है, ये आर स्क्रिप्ट है। तो आर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट ये वाला है और ये आर स्क्रिप्ट है, तो ये आर स्क्रिप्ट मैं पूरे का पूरा आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको रन करने में आसानी रहे। तो अगर आपने ये टाइडीवर्स पैकेज इंस्टॉल कर लिया तो फाइन, अगर नहीं किया तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस टाइडीवर्स लाइब्रेरी। तो इसी तरह से ओपन इंट्रो, क्योंकि हम ओपन इंट्रो स्टेटिस्टिक्स बुक यूज कर रहे हैं, तो इंस्टॉल पैकेज लाइब्रेरी ओपन इंट्रो। अब इसमें एक फास्ट फूड डेटा बिल्ट इन है, तो उस फास्ट फूड डेटा बिल्ट इन को अगर आप देखें तो ये आपके पास फास्ट फूड डेटा बिल्ट इन है, जिसमें आपके पास जो है ये हमने हेड मांगा तो ओनली 6 जो है वो अब रोज मिली है और 17 वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप इस डेटा की एक जनरल ग्लिम्प्स लेना चाहें, ओवरव्यू लेना चाहें, तो ये देखिए इस डेटा की आपको जो है वो पता चलेगा कि देर आर 515 रोज 17 वेरिएबल्स। कौन सा वेरिएबल करेक्टर है, मीन्स वो नेम्स हैं, कौन सा वेरिएबल नमेरिकल है, कॉन्टिन्यूस है, डबल है, तो ये आपको ये वेरिएबल्स यहाँ से पता चल जाएगा। और उसमें किस तरह की चीज़ें जो है वो मेजर की गई हैं, फैट कितनी कैलोरीज में, फैट कितनी है, टोटल फैट कितनी है, सैचुरेटेड कितनी है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, सोडियम क्या है, फाइबर क्या है, शुगर केन क्या है, प्रोटीन क्या है, वाइटामिन ए बी सी कैल्शियम, तो यू कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का डेटा है, बिल्ट इन है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मैकडोनल्ड का डेटा ले लें, तो फास्ट फूड ये देखिए मैकडोनल्ड, तो यहाँ पे हमने सिर्फ मैकडोनल्ड का डेटा ले लिया। मैं इसको फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये जो है वो आसानी रहे, उससे ग्राफ थोड़े से छोटे होंगे लेकिन इससे आपको जो है वो ये कोड जो है वो आसानी से नजर आए। तो ये देखिए हमने मैकडोनल्ड, तो डबल इक्वल मैकडोनल्ड, तो ये फिल्टर है, तो ये फिल्टर ये 5 वर्ब्स होते हैं टाइडी वर्ब्स के, जो कि मेरी अदर वीडियोस में लर्निंग आर में अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट। तो ये हमने फास्ट फूड का डेटा फिल्टर कर लिया और उसके बाद हमने कहा डेरी क्वीन का डेटा, तो डेरी क्वीन इज अनदर फास्ट फूड चेन, तो उसका हमने डेटा जो है, तो उसके लिए क्या किया, फास्ट फूड तो हमारा डेटा था ओवरऑल जिसकी 515 ऑब्जर्वेशंस हैं, 17 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें से हमने सिर्फ डेरी क्वीन जो है वो फिल्टर कर लिया। तो ये आपके पास फिल्टर होके आ गया। इसी तरह से अगर आप सिर्फ कैलरी जो है वो फैट कैलरीज देखना चाहें तो डेरी क्वीन डेटा में, तो आपके पास डी मीन एवरेज कैलरीज जो है कितनी है तो वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी क्या है, तो वो एस डी डेरी डॉलर दिस वन। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम प्लॉट करते हैं किस चीज का कैलरी जो है फैट्स में कितनी कैलरीज फैट्स से आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे जीजी प्लॉट, ये बेसिकली अगर तो आपने लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 कर ले, अगर टाइडीवर्स किया हुआ है तो टाइडीवर्स में ये बिल्ट इन चीज है, तो ये आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। अदरवाइज आप मेरी बाकी वीडियोस देखिए लर्निंग आर में, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पहले डेटा आ गया, फिर एस्थेटिक आ गया, कौन सी चीज का ग्राफ बनाना है, और हमने करना क्या है, जियोम हिस्टोग्राम बनानी है। नंबर ऑफ बीन्स हम 7 रख रहे हैं, जी जी टाइटल, टाइटल हमारे ग्राफ का ये है, और नंबर ऑफ जो है वो एक्स लैब और वाई लैब। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपको डेरी क्वीन, डेरी क्वीन जो कैलोरीज फ्रॉम फैट हैं फ्रॉम डेरी क्वीन फास्ट फूड, तो वो आपको ये वाले मिल जाएंगे। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की बनती है। सेम चीज मैकडोनल्ड डेटा की कैसे बनती है, तो वो आपको नजर आएगी कि सेम चीज मैकडोनल्ड डेटा की इस तरह बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर हम साइड बाई साइड बार चार्ट ले लें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा जी ये जो पाइप ऑपरेटर लगा लिया, फिल्टर हमने कर लिया, रेस्टोरेंट डबल इक्वल मैकडोनल्ड, रेस्टोरेंट डबल इक्वल डेरी क्वीन, जीजी प्लॉट, और ये हमने इसको जो है नंबर ऑफ बीन्स और ये सारी चीजें जब हमने रन की तो ऑब्जेक्ट फिल्टर जो है वो बेसिकली ओके। तो ये हमने जब रन किया तो आप देखिए
तो इसको हम जूम कर दें, तो ये आपके पास जो है वो डेरी क्वीन से जो कैलोरीज फ्रॉम फैट मिल रही हैं और मैकडोनल्ड से जो कैलोरीज फ्रॉम फैट मिल रही हैं, तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डेटा फॉलो करता है या नहीं करता, ये चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो आपने इसी तरह से दोबारा से हमने ये जीजी प्लॉट टू और उस पे हमने टोमेटो कलर की जो है वो एक डेंसिटी कर्व फिट कर दी, तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि ठीक है ये अभी नॉर्मल एज सच उस तरह से हमें थोड़ा सा इश्यू नजर आ रहा है, बट वी हैव येट टू एक्सप्लोर इट मोर। तो मैकडोनल्ड से जो मीन कैलोरीज है वो कितनी है, मैकडोनल्ड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलोरीज कितनी है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने मैकडोनल्ड के डेटा को अगर हमने प्लॉट करके देखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह का नजर आ रहा है, तो उसमें देखिए कि स्क्यूटनेस स्लाइटली ऑन राइट हैंड साइड मोर है देन डेरी क्वीन फास्ट फूड वाले में जो फैट से कैलोरीज मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज टू, तो एक चीज होती है कि आपने इस तरह से हिस्टोग्राम बनाई, दूसरी चीज होती है कि आप क्यू क्यू प्लॉट बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्यू क्यू प्लॉट। अगर वो 45 डिग्री लाइन फॉलो करता है तो इट मींस वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जब भी आप रैंडम नंबर्स लेके प्लॉट बनाएंगे तो क्यू क्यू प्लॉट जो है वो बेसिकली 45 डिग्री फॉलो करता है। तो इसलिए जो भी डेटा 45 डिग्री लाइन को फॉलो करता है, हम कहते हैं कि वी एस्यूम कि ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो आप इस ग्राफ की बेस पे असेस करेंगे, फिर हम इस पे फॉर्मल टेस्ट भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक सिमुलेशन करने जा रहे हैं, अब इस चीज को समझिएगा, आर बहुत यूजफुल है फॉर सिमुलेशन एज वेल। हमने कहा जी कि हमें रैंडम नंबर्स फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर दो, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज उतनी है जितने आपके डेरी क्वीन से फास्ट फूड की उस 515 में से 515 में से जितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो वाली है, और आपके पास और अगर आप चेक करना चाहें तो एन रो, तो आपके पास डेरी क्वीन तो ये देखिए 42 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब ये 42 वैल्यूज जनरेट करेगा और उसका मीन क्या रखेंगे जो ओवरऑल डेरी मीन का है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखेंगे जो ओवरऑल डेरी क्वीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलोरीज फ्रॉम फैट वाली है। तो ये हमने सिम नॉर्मल से जनरेट कर दिया और इसका प्लॉट बनाए तो वो इस तरह का नजर आता है। अब हम इस डेटा को बार बार सिमुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज क्यू क्यू नॉर्म सिमुलेशन। तो ये देखिए बहुत सारे हमने प्लॉट्स बना लिए और ये आपके पास जो है वो अगर डेटा नॉर्मल को फॉलो करता था तो वो देखिए तो ये तकरीबन एक 45 डिग्री जीरो से ओरिजिनेट होके इस तरह से बन रही है। तो दिस इज हाउ वी सिमुलेट आवर डेटा। अब हम एक था हमने अभी क्यू क्यू प्लॉट देखा, हिस्टोग्राम देखा कि डेटा नॉर्मल को फॉलो करता है या नहीं करता, तो हमें बहुत आइडियल किस्म की चीज नजर नहीं आ रही, तो उसका फॉर्मल वे ये है कि हम शपीरो टेस्ट लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि जी जो डेरी क्वीन से कैलोरीज फ्रॉम फैट मिल रही हैं क्या वो जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं या नहीं करती। तो यहाँ पे हमने इसको किया तो 0.007 पी वैल्यू है विच इज वेरी स्मॉल, सो देर इज लिटल चांस के डेटा इज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यू कैन फॉलो एक्सरसाइज 5 फ्रॉम लैब। तो जी जी प्लॉट अगेन मैकडोनल्ड का हमने ले लिया, तो मैकडोनल्ड का जो कर्व बन रही है वो ये वाली बन रही है, तो मैकडोनल्ड डेटा की भी ये लग रहा है कि नॉर्मल को फॉलो नहीं करती। हम क्यू क्यू प्लॉट भी ले लेते हैं, हम इससे भी सिमुलेशन करते हैं और वही उसी तरह से सिमुलेशन करके हम चेक कर लेते हैं किस तरह की। ये देखिए हमने डेटा को सिमुलेट कर लिया, ओरिजिनल डेटा ये वाला है, सिमुलेटेड डेटा ये वाला है, लग नहीं रहा कि नॉर्मल है बट स्टिल हम शपीरो टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 4.749 × 10⁻⁸ विच मीन्स 0.00000047 जो है वो 7 जीरो के बाद 4 आएगा, तो इसका मतलब है 4 से पहले 7 जीरोस हैं और उससे पहले डेसिमल है, तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, सो देर इज लिटल चांस के जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैकडोनल्ड जो मैं मैकडोनल्ड फास्ट फूड की जो कैलोरीज हैं फैट से जो मिलती हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अगर आप जो है वो इसको अब हमने जो है वो बेसिकली देख लिया कि आपके पास जो है डेरी क्वीन से, और डेरी क्वीन से ये अगेन वही बात है कि जी 42 ऑब्जर्वेशन है, ये जस्ट हमने चेक कर लिया, तो ये आपके पास उसने
इसी लैब में एक और चीज गिवन थी कि जी आप चिकफिला से चेक करें कि जी उसकी क्या पोजीशन है, तो ये चिकफिला हमने हेड चिकफिला उसका भी अगेन वही डेटा आ गया आपके पास, कितनी ऑब्जर्वेशंस आ गई, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 17 वेरिएबल्स हैं, तो चिकफिला जो है वी हैव ओनली 10 6 ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल। तो शुगर मीन, तो चिकफिला में शुगर कितनी है, चिकफिला में शुगर की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कैलरी मीन कितनी है, कैलरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और आप ये देखें कि जी एक खास जो है वो 10 से कम कम होने के क्या चांसेस हैं, 400 से ज्यादा होने के क्या चांसेस हैं, तो ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कैसे करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यू कैन यूज आर। तो ये देखिए 10 से ज्यादा कैलकुलेट आने के चांसेस 0.03 है, कैलरीज जो है 400 से ज्यादा हो आपके चिकफिला में तो उसकी क्या है 0.481 है, तो ये बेसिकली डेरी क्लोज टू मैकडोनल्ड और डेरी क्वीन है। तो ये आपके पास प्लॉट आ गया जिसमें हमने बहुत सारे डेटा सेट्स जो है वो लेके, तो ये जीजी प्लॉट 2 आप इसको जो है काइंडली अपने उस पर रन कीजिएगा। तो ये बेसिकली रेस्टोरेंट सोडियम सोडियम की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, अरबीज में, बर्गर किंग में, चिकफिला में, मैकडोनल्ड में, डेरी क्वीन में, सबवे में, टैको बेल में, सोनिक में, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि तो ये रिलेटिवली ज्यादा ब्रेक्स हैं यहाँ पे, ये बर्गर किंग भी स्लाइटली सिक्योर्ड है, मैकडोनल्ड, तो ये तकरीबन लग नहीं रहा कि सोडियम जो है इन जो है वो जो आपके पास सोडियम है किसी भी फास्ट फूड में उसकी जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो फास्ट फूड ये अगर आप बाई रेस्टोरेंट्स हमने क्या किया, ये आपके पास फास्ट फूड आ गया, ये हमने एक फिल्टर अप्लाई कर लिया। इस फिल्टर के बाद हमने कहा जी कि आप रेस्टोरेंट्स के लिहाज से ग्रुप कर दें, पहले तो हमने फास्ट फूड के लिहाज से ग्रुप किया था, यहाँ पे हमने तो ये रेस्टोरेंट आई थिंक के फास्ट फूड के लिहाज से ही है। तो ये आपने सोडियम की जो है दोबारा से इस क्वांटिटी को देखा, तो यू सी, तो आई थिंक वी हैव आर, तो ये उसका क्यू क्यू प्लॉट है, पहले वाला हिस्टोग्राम था, अब ये क्यू क्यू प्लॉट है। यहाँ पे देखें तो ये जो सेकंड फर्स्ट रो में सेकंड है और थर्ड रो में सेकंड जो है टेको बेल और बर्गर किंग स्लाइटली स्लाइटली 45 डिग्री के करीब करीब है, बट डेफिनेटली वी हैव टू चेक इट आउट थ्रू फॉर्मल टेस्टिंग एज वेल। तो अगर इनमें से कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता भी है तो वो शायद बर्गर किंग और टेको बेल करते हैं, तो आई दो आई डोंट इट वेरी मच, बट स्टिल स्टिल ये स्लाइटली स्लाइटली उसके करीब हो सकते हैं। तो अब हम इसको फॉर्मली, अगर आपके पास टेको बेल, बर्गर किंग, सोनिक, तो ये हमने अगर ये हम सारे कर लें एंड देन हम इन पे शपिरो टेस्ट लगाएं, तो टेको बेल में भी फेल होता है, बर्गर किंग में भी फेल होता है, सोनिक में भी फेल हो रहा है, तो ये सोडियम इज, हाँ यस, लुक हियर, ये हमने जो शपिरो टेस्ट लगाया लास्ट वन, तो ये जो आपके पास आ रहा है इसका रिजल्ट आ रहा है पी वैल्यू इज 0.1985, तो पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब लग रहा है कि आपके पास जो है ये टेस्ट जो है रिजेक्ट नहीं कर रहा नॉर्मेलिटी को, तो एरबीस जो है ये बेसिकली आपके पास जो है फॉलो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल प्लॉट्स कैन बी यूज बोथ टू, तो ये आप देखिए तो नॉर्मल प्लॉट्स जो है वो यूज कर रहे हैं कि जी आपके पास जो है नॉर्मेलिटी को भी और साथ साथ सिक्यूनेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज को हम फर्दर देखते हैं। हमने सोनिक प्लॉट, सोनिक ये पाइप ऑपरेटर, जीजी प्लॉट, और ये हमने प्लॉट बनाया और इसको हमने डिस्प्ले किया और ये इसकी क्यू क्यू प्लॉट बन रहा है, और इसी को हिस्टोग्राम अगर हमें देखनी हो तो इसकी हिस्टोग्राम जो है वो इस तरह की है, तो अगेन ये स्लाइटली सिक्योर्ड है ऑन दी राइट, और ये हमने अब क्या देखा है, अब हमने टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को देखा है। तो आप देखिए तो एक जो फास्ट फूड लेते हैं तो उसमें सोडियम है, फैट्स हैं, विटामिन ए है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये बहुत सारी, तो उनमें से कौन सा कंटेंट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता, तो ये देखिए जो है वो हमने उसका मीन ले लिया सोनिक का, कार्ब्स का, और उसका प्लॉट किया, तो वो भी एक आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता। तो दिस इज ऑल अबाउट
फास्ट फूड डेटा, तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे टेस्ट करते हैं? तो हमने तीन चीजें देखी, एक हिस्टोग्राम, एक क्यू क्यू प्लॉट और एक स्पीरो टेस्ट के थ्रू। तो आपको ये मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ ड्रॉप बॉक्स में, काइंडली आप इसको रेप्लीकेट कीजिए और इन कोड्स को कॉपी नहीं कीजिए, इन कोड्स को खुद से टाइप कीजिए। जिन लोगों को जरा इसकी प्रैक्टिस कम है, तो इन दिस वे इस प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, आप इनको बहुत ब्यूटिफुल ग्राफ बना सकते हैं, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।